व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एचडीरेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पकड़ा गया एसएसजी का कमांडो पाकिस्तान। तो क्लेम ये किया जा रहा है कि इंडियन साइड का जो कश्मीर है वहाँ पर एलओसी के पार जो है एसएसजी का एक कमांडो ऑपरेशन में पकड़ा गया है। और मतलब उसके पिक्चर्स वगैरह भी किए हैं, वो लंबा समूह है, दाढ़ी शाड़ी है उसकी। तो और कहा जा रहे हैं 50 से 60 बंदे टेररिस्ट जो हैं वो उस साइड पे हैं, जिनको पकड़ने के लिए 600 के करीब जो है ना PSF पैरा स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनको भेजा गया है। तो देखते हैं वीडियो को, क्या सीन है ये, कौन सा ऑपरेशन है, कहाँ से पकड़ा गया और क्या क्लेम किया जा रहा है इसके बारे में। 3, 2, 1 है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया है। सेना की राष्ट्रीय राइफल की रोमियो फोर्स ने पुंछ के मांगनेर से मोहम्मद खलील नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया। खलील का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से है। सेना ने उसे 30 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अब आतंकी की तस्वीर और उसके पास से बरामद हुए हथियारों की तस्वीरों को रिलीज किया गया है। दरअसल पाकिस्तान के एसएससी कमांडो इन दिनों जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। रोमियो फोर्स की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि हिजबुल आतंकी मोहम्मद खलील से पुलिस कस्टडी में पूछताछ चल रही है। इस मामले में जांच भी चल रही है ताकि आगे और भी ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। रोमियो फोर्स ने बताया कि आतंकी के पास से एक विदेशी पिस्तौल भी बरामद हुई है। साथ ही उसके पास से एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर भी मिला है, जिस पर पड़ोसी मुल्क में बैठी पाकिस्तान की आतंकी फौज उसे दहशत फैलाने का टास्क सौंप रही थी। इंडियन मीडिया पे एक खबर वायरल होती नजर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन किया है और वहां से कुछ टेररिस्ट को अरेस्ट किया है, और एक टेररिस्ट जिसका नाम मोहम्मद खलील कमांडो बताया जा रहा है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जो इंडियन मीडिया का ये स्टांस है कि पाकिस्तान साइड से लोग वहां पे आते हैं और ऐसी एक्टिविटीज में पब्लिक ने तो कहना है नहीं नहीं, अगर ये खबर सच होती है तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा? फिर हमारी पाकिस्तान को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान का ये स्टांस क्लियर हो के भाई हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। ये है कि अभी अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे अभी इंडिया की जो मीडिया थी उधर से खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान के लोग हैं या मतलब उनके पाकिस्तान की एजेंसी से लोग हैं जो कश्मीर में मौजूद हैं और वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं वहाँ पे, अटैक कर रहे हैं, जिसमें से अभी देखिए अगर अगर हम बातों पे यकीन करेंगे ना तो बातें तो बहुत कुछ होती हैं। अच्छा, तो बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए जो आपके कौम जो कर रही है। ठीक है, आपको सारा कुछ पता है हमारे मुल्क में जो हो रहा है, हमारा मुआशरा जो हो रहा है खराब हो रहा है। ठीक है, नहीं उसमें बातों पे बिल्कुल नहीं यकीन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉपर प्रूफ मिल जाए, जैसे कि लेट्स सपोज उन्होंने आज अभी अरेस्ट किया है एक खलील, मोहम्मद खलील नाम से कोई ऐसा है वो जो अपने आपको हिजबुल्लाह का कमांडो बताता है, मतलब कि भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अपने तौर पे वहां पे जाके जिहाद करती है। देखिए, मैं आपकी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बनी होंगी 100% आप बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नहीं बनी होंगी या बनी है आपके आपको नहीं पता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बनी है, देखिए बनी है, बनी ये चीज नहीं है, बनी है या नहीं। ओके, तो मैंने आपको कहा था कि अवाम ने क्या ही इसको हाँ या ना कहने, उन्होंने वही बातें करनी है जो वो हमेशा से करते हैं। द पॉइंट इज़ के हिजबुल मुजाहिदीन, अंसारुल इस्लाम, जैश मोहम्मद, जैशुल इस्लाम, इसी तरह हरकतुल अहरार, हरकतुल इस्लाम, ये चंद नाम लिए हैं मैंने आपके सामने जो कश्मीर के नाम पे जिहाद का कहते हैं। और इनके जो मेन कैंप्स हैं ना, ये हैं या तो अगर आप इनकी पंजाबी जो रिक्रूटमेंट है वो होती है जनूबी पंजाब में से, साउथ पंजाब में से, भावलपुर हो गया, मुल्तान हो गया, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, वहाँ से। ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो जल्दी इनके ट्रैप में आते हैं। दूसरी ये रिक्रूटमेंट करते हैं पोटोहार रीजन से और KPK से, लेकिन इनका मेन जो है ना, ये जो चंद नाम मैंने लिए ये यहीं से ऑपरेट करते हैं। अब ये कहना बनी होंगी या बनी थी ऐसा नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं जी, और हम डिनाई भी नहीं करते, हम इनके अगेंस्ट कोई ऑपरेशन भी नहीं करते। हमने वही अभी तक पॉलिसी पकड़ी हुई है गुड एंड बैड वाली, फिर जो हमारे अगेंस्ट करे वो बैड है, जो किसी और के अगेंस्ट करे वो गुड है। हम जब तक इस पॉलिसी को नहीं ख़त्म करेंगे ना, और बिला तफरीक तमाम एलिमेंट्स
जो प्राइवेट मिलिशिया के तौर पे काम कर रहे हैं, जब तक हम उन्हें साफ नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्क में भी सुकून नहीं होगा, टेररिज्म यहाँ भी ख़त्म नहीं होगा, तरक्की भी नहीं होगी और ताल्लुकात भी बेहतर नहीं होंगे। अगर तो जैसे क्लेम किया जा रहा है इंडियन मीडिया में कि वो कमांडो जो है हिजबुल मुजाहिदीन का, वो क्लेम किया जा रहा है SSG का कमांडो, तो फिर वो स्टेट स्पॉन्सर चीज़ आ जाती है, फिर वो FATF की पाबंदियाँ, UN की पाबंदियाँ वो हमारे सामने हैं। लेकिन जो भी है इसकी जब मज़ीद डिटेल्स आएंगी तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हम देख पाएंगे। फ़िलहाल के लिए यही है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हमें इनके अगेंस्ट एक्शन करना चाहिए। हम एक्शन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है नफ़रत बढ़ेगी और फिर हमें पता ही है नफरत का रिज़ल्ट क्या होता है कि हम 4 जंगे लड़ चुके हैं, 5 भी हो जाएगी। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।